आज हमारी यात्रा होगी भगवान शिव के एक ऐसे धाम की, जहां दूर दूर से भक्त भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में कोलाब नदी के तट पर पवित्र गुफा में विराजे भगवान शिव के स्थल गुप्तेश्वर की। जगदलपुर से तिरिया क्षेत्र में घने जंगलों के बीच इस सड़क से लगभग 45 किलोमीटर का सफर तय कर कोलाब नदी के तट तक पहुंचा जा सकता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक खूबसूरतियों से भरा पड़ा है। इस स्थल पर शबरी नदी भी प्रभु के चरण पखारती हुए आगे बढ़ती जाती है। इस मार्ग में केवल शिवरात्रि के दिनों में ही यहां आना संभव होता है। गुफा के पास बहती इस कोलाब नदी की प्राकृतिक संरचना बेहद अनोखी है। कटीले और नुकीलेदार छोटे बड़े पत्थरों के बीच से यह नदी प्रवाहित होती है। वन विभाग द्वारा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से हर वर्ष यहाँ नदी को पार करने बांस से निर्मित चटाइयों को विशेष ढंग से रखकर इस नदी पर पुल तैयार किए जाते हैं और इसी का प्रयोग कर श्रद्धालु भगवान शिव के गुफा तक पहुंचते हैं। उड़ीसा के जयपुर से इस मंदिर तक सीधे सड़क मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है। अब आइए आगे बढ़ें उस पवित्र गुफा की ओर, जहां भोलेनाथ शिवजी विराजमान हैं। इस स्थल पर आना बेहद सौभाग्य की बात है। गुफा के सकरे रास्ते से हम आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ने पर गुफा में प्रवेश करते ही हमें विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। भक्त यहां शिवजी को धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा आराधना कर उनसे सुखी और स्वस्थ जीवन की याचना करते हैं। यह भक्ति यात्रा शिवजी के आशीर्वाद से जीवन को एक सुखद यात्रा में परिणित कर देती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बरसती रहे।